Yeah, why you mad? I got a bad bro. Name hot in these streets, no Tabasco. But I'm so stubbed, that's a fact, yo. And if you think I'm frontin', you can run it back, yo. Go on, run it back. You know that I run it. Everything you wanna do, I already done it. And I got your little boo telling me she love me. I got this one, that one, damn, it's gonna be a long night. Yeah. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज आपको हम बताने वाले हैं टीवीएस रेडर 125 के यहाँ पे हाईवे राइडिंग और इसके परफॉर्मेंस के बारे में। काफ़ी लोग पूछ रहे थे कि बाइक जो है वो हाईवे पे कैसा परफॉर्मेंस डिलीवर करती है। तो फ्रेंड्स, आज जो है वो मैं एक राइड पे गया हुआ था। वहाँ पे फ्रेंड्स आज मैं अपना राइडिंग एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो हाईवे पे जो बाइक है वो काफ़ी प्लांटेड चलती है, काफ़ी मतलब कंफर्टेबल है। और देखा जाए फ्रेंड्स तो आप लॉन्ग राइड्स वगैरह इस बाइक से कर सकते हैं। अगर आप छोटे मोटे राइड्स पर अगर जाना चाहते हैं, 125 सीसी सेगमेंट के हिसाब से बाइक का जो परफॉर्मेंस है वो काफ़ी अच्छा है। और अगर हम बात कर लेते हैं यहाँ पे सिटिंग पोस्चर वगैरह के बारे में, तो बिल्कुल ही अपराइट बैठते हैं। जैसे कि आप अभी देख पा रहे होंगे बैकग्राउंड में मैं बिल्कुल ही अपराइट बैठा हुआ हूँ। और यहाँ पर बैक पेन वगैरह किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं आता है बाइक में। बाइक काफ़ी कंफर्टेबल है। और अगर हम बात करते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे बाइक के माइलेज के बारे में, क्योंकि माइलेज को लेकर काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहा था, तो बाइक ने अभी जो मुझे इस राइड में माइलेज दिया है लॉन्ग राइड में, वो यहाँ पे लगभग में 63 का माइलेज बाइक ने हमें ऑफर किया है, जो कि फ्रेंड्स आज हमने हाईवे पे यहाँ पे टेस्ट किया था। तो 63 के अप्रॉक्स में आपको बाइक का माइलेज यहाँ पे देखने को मिलता है, जो कि काफ़ी अच्छा है मेरे हिसाब से। अगर आप अच्छे से राइड करेंगे तो आपको इस बाइक में 60+ का माइलेज देखने को मिलेगा। और सिटीज़ में अगर हम बात करते हैं तो 55 से 60 के अप्रॉक्स में ये बाइक माइलेज ऑफर कर देती है। रहा बात यहाँ पर ओवरऑल में ब्रेक रिस्पॉन्स वगैरह का, तो फ्रेंड्स ब्रेक का रिस्पॉन्स जो है वो मुझे रेयर ब्रेक का अच्छा लगा। फ्रंट ब्रेक का मुझे बाइक जो है वो उतना यहाँ पे कुछ खास नहीं लगा, बट देखा जाए तो ओवरऑल में काम यहाँ पे चल जाता है। और अगर हम बात कर लेते हैं यहाँ पे मीटर कंसोल की विजिबिलिटी का, तो डे लाइट में काफ़ी अच्छे से यहाँ पे मीटर जो है वो विजिबल था, किसी भी तरह का कोई इशू नहीं आया था। ओवरऑल में अगर हम बात करते हैं स्विचेस वगैरह की क्वालिटी के बारे में, तो बिल्ड क्वालिटी भी बाइक का काफ़ी अच्छा है, किसी भी तरह का कोई दिक्कत नहीं आया बाइक को राइड करने में। बाकी अगर हम बात करते हैं यहाँ पे सोलो राइडिंग के लिए, तो सिंगल राइड करने के लिए काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। और पिलियन का भी जो सीट है वो काफ़ी कंफर्टेबल है, तो अगर आप पिलियन के साथ भी जाना चाहते हैं तो आपको कोई वैसा मेजर में दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि सीट की कुशनिंग यहाँ पे कंपनी ने काफ़ी अच्छी कर रखी है। और मोबाइल चार्जिंग मैंने इंस्टॉल करवा लिया था, तो फ़ोन भी जो है वो मैंने रास्ते में चार्ज किया, काफ़ी अच्छे ढंग से चार्ज हुआ है। उसका एक प्रॉपर वीडियो आने वाला है चैनल पर, तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आपकी कोई भी डाउट्स ना रहे चार्जिंग वगैरह को लेकर और किसी भी बाइक को लेकर। रहा बात अगर आपको कुछ भी क्वेश्चन पूछना है यहाँ पे रेडर 125 को लेकर, तो आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और या फिर आप हमें इंस्टाग्राम पर भी मैसेज कर सकते हैं। मिलेंगे आपसे अब हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आई एम सत्यम गुप्ता साइनिंग ऑफ। थैंक यू फ्रेंड्स।